एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों दिल्ली चुनाव का माहौल बदल चुका है और क्या कहता है 77 सीटों के लिए ओपनिंग पोल और दो दिन में कैसे बाजी जो है वो पलटती नजर आ रही है और इसके लिए क्या सर्वे निकल कर आ रहा है। जहां दोस्तों रातों रात यहां पर आंकड़ों में बड़ा यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है और अब क्या कहता है दिल्ली के लिए इन 77 सीटों के लिए ओपनिंग पोल। इससे पहले जो सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देखिए किस तरह से बूथ शेयर में इजाफा हो रहा है बीजेपी का और लगातार अब आम आदमी पार्टी को बूथ शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले जो बूथ शेयर था, सबसे पहले जो सर्वे आया था 54% बूथ शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में थी, लेकिन 27 जनवरी, 28, 29, 30 और 31 जनवरी तक आम आदमी पार्टी का बूथ शेयर यहाँ पर 47% तक आ गया है। वही बीजेपी के बूथ शेयर की अगर तुलना कर दें तो 37% बूथ शेयर बीजेपी को 31 जनवरी तक यहां पर दिल्ली के अंदर जाता नजर आ रहा है, यानी 10% का ही अंतर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बूथ शेयर में यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में 4 या 5 दिन बेहद ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी अब रैलियों में उतरने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और माहौल अब बदलना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से चुनाव के दौरान यहाँ पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर अब चुनाव आयोग जो है वो सतर्क हो चुका है, उस पर शिकंजा कसने की फिराक में भी है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान और बीजेपी ने क्या बड़ा दाव खेला है जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब बौखला चुकी है और जिसके लिए वो अब बयानबाजी करती नजर आ रही है और यहाँ पर अमित शाह क्या यहाँ पर रणनीति यहाँ पर दिल्ली के लिए तैयार कर रहे हैं और केजरीवाल की गारंटी कार्ड जिनमें 10 गारंटी कार्ड दी गई हैं उसको लेकर भी अब बड़ा सवाल उठने लगा है। लेकिन दिल्ली की 70 सीटों के लिए क्या कहता है ओपिनियन पोल, इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी 22 सालों से दिल्ली की सरकार से दूर रही है और 1998 से 2008 तक यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया है। कांग्रेस अब यहाँ पर जनता से यहाँ पर मांग रही है वोट की वापसी, उन्हें वापसी मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन पर अपने काम का बोझ डाले हुए हैं और काम के दम पर ही वो दिल्ली के मैदान में हैं। और अब क्या बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन योजनाओं को लाने के बाद कितना दबाव अब आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाला है, क्योंकि गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो आटा बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा अगर दिल्ली के अंदर उनकी सरकार आ जाती है। इसके अलावा कई बड़ी और योजनाएं जिनमें आयुष्मान किसान सम्मान निधि योजना लागू करेंगे और यहाँ पर गरीब विधवा महिला बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए यहाँ पर घोषणा पत्र में बीजेपी ने शामिल किया है और दिल्ली में 200 नए स्कूल कॉलेज और यहाँ पर युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा भी किया है और 21 साल होने पर 2 लाख तक की राशि यहाँ पर बेटी को दी जाएगी, जो कि छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी यहाँ पर दी जाएगी। ये कई बड़ी योजनाएं यहाँ पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में डाली है और इन योजनाओं के बाद और इससे पहले भी बीजेपी लगातार यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं पलटवार देखने को मिला है, जिस प्रकार से वोट शेयर इजाफा हो रहा है। एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया है और उसके अनुसार बीजेपी लगातार वोट शेयर में इजाफा कर रही है, लेकिन ये 3 या 4 दिन में कितना इजाफा बीजेपी कर पाएगी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोट शेयर बराबर हो जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले कुछ और सर्वे आपको दिखाते हैं। नागरिकता पर वोट देंगे या नागरिक सुविधाओं पर, इस पर भी सर्वे किया गया है। देखिए 24% लोगों का मानना है कि नागरिकता पर यहाँ पर वोट देंगे, 60% लोगों का मानना है कि नागरिक सुविधाओं पर यहाँ पर वोट किया जाएगा, कह नहीं सकते ऐसे 16% लोग हैं। इसके अलावा आपको शाहीन बाग जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कोई भी बड़ा नेता इस पर बोलने पर यहाँ पर परहेज कर रहा है, लेकिन इस पर अब राजनीति गर्मा चुकी है और इसके बाद आंकड़े भी बदल रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, इस पर भी सर्वे किया गया। देखिए इस पर जो सर्वे है, इससे पहले जो आंकड़े थे, लेकिन अब हर दिन दिल्ली के लिए आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। इस आंकड़ों में जो प्रेरित बदल यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको और दिल्ली के आंकड़े दिखाते हैं। क्या दिल्ली सरकार बदलना चाहते लोग, 37% लोगों का मानना है हाँ, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, और 60% लोग चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ही सरकार बने, 3% कह नहीं सकते ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से वोट शेयर में इजाफा बीजेपी के हो रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर यहाँ पर
दौड़ने लगी है, चलने लगी है और बजट पेश भी हुआ इस दौरान। वोट शेयर के आधार पर क्या आंकड़े बन सकते हैं आपके सामने, आंकड़े देखिए। बीजेपी को यहां पर 33 सीटें जा सकती हैं, हालांकि सीटों में इजाफा या गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की अब रैलियां होंगी, उनमें क्या वादे करते हैं, किस प्रकार से जनता को अपने आकर्षण में लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां पर अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, 37 सीटें उनके पक्ष में जा रही है। लेकिन अब कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है और दिल्ली में आपकी बात किसकी सरकार किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस के हिस्से में कितनी और आम आदमी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल सके।